#MeToo मूवमेंट की शुरुआत हुई है, तभी से न जाने कितने एक्टर्स डायरेक्टर्स पर गंभीर आरोप लगते जा रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई महिला इस मूवमेंट के तहत अपने साथ हुई बदसुलूकी और यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठा रही है। लेकिन अब हाउसफुल हे बेबी जैसी फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर साजिद खान पर एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन महिलाओं ने मिलकर आरोप लगा डाले हैं। जी हां, साजिद पर सबसे पहले आरोप उनकी असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुकी एक्ट्रेस सलोनी चोपड़ा ने लगाया। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए अपनी कहानी सुनाई और कहा कि जब वो साजिद के पास इंटरव्यू के लिए गई तो उन्होंने कई उल्टे पुल्टे सवाल किए, जैसे आप मास्टरबेट करती हैं या नहीं, और अगर करती हैं तो दिन में कितने बार करती हैं। इसके बाद साजिद उनसे ऐसे ही सवाल करते रहे, लेकिन आखिर उन्हें ये जॉब मिल गई। उन्होंने आगे कहा कि ये जॉब मिलने के बाद कई दफा साजिद मेरे साथ बदतमीजी करता रहा और उनके अंदर काम करने की वजह से मैं चुपचाप झेलती रही और सोचती रही कि ये सभी के साथ ऐसा ही करता है। इतना ही नहीं, आगे सलोनी ने कहा कि साजिद ने उन्हें धमकी दी कि वो उन्हें इस फिल्म इंडस्ट्री से बाहर करवा देंगे। इसके बाद एक जर्नलिस्ट करिश्मा ने भी एक ट्वीट करके बताया कि जब वो साजिद का इंटरव्यू लेने गई तो पूरे समय वो अपने प्राइवेट पार्ट की बातें करें और उसके बाद उन्होंने मेरे सामने ही पैंट उतार दी। इसके बाद उन्होंने मुझे जबरन किस करना चाहा, लेकिन मैं वहां से भाग निकली। वहीं तीसरे आरोप की बात की जाए तो एक्ट्रेस राशिल वाइट ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब मैं साजिद के पास किसी फिल्म के सिलसिले में मिलने पहुंची थी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि वो 5 मिनट तक उनको सिड्यूस करें। साजिद ने कहा कि वो मुझे बिकनी में देखना चाहते हैं क्योंकि उनकी फिल्म में ऐसे सीन होंगे, लेकिन साजिद की हरकतें देखकर मैं वहां से निकल गई थी। वेल, इन तीनों महिलाओं की बातें सुनकर अब बस इंतजार है तो साजिद के रिएक्शन का। आपको बता दें कि साजिद आजकल हाउसफुल के चौथे पार्ट की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।